हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ब्लाउज कलेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और यूज़फुल लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि जो साड़ियाँ होती हैं वो मोस्टली तो सभी लोग पहनते हैं। अगर आपको वो डिज़ाइंस अच्छी लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी स्टिच करा सके उस तरह का डिज़ाइन। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट जो ब्लाउज है आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट ब्लाउज जो है मैंने उसको इस तरह से कुछ स्टिच करवाया है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से फ्रंट और इस तरह से इसका बैक है। तो चलिए मैं इसकी पूरी डिटेल्स दिखाती हूँ कैसी है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट में इस तरह से और यहाँ पे इस तरह की पोटली या बोटली बोल सकते हैं, तो इस तरह की फ्रंट में इस तरह की पोटली लगी है और आगे से आप देख सकते हैं कि इसे बोट नेक दिया गया है और इसमें पूरी ब्लू कलर की पाइपिंग लगी है, क्योंकि जो साड़ी है वो मेरी ब्लू है और जो बॉर्डर है वो रेड है, तो इस तरह की ये ब्लू कलर की पाइपिंग दी है। और आगे से आप देख सकते हैं कि इसमें प्रिंस कट पैटर्न दिया गया है और पफ लगाया है मैंने। तो प्रिंस कट जो पैटर्न होता है उसकी वजह से जो ब्लाउज है उसकी फिटिंग जो है काफ़ी अच्छी आती है, तो मैं मोस्टली प्रीफर करती हूँ जो प्रिंस कट है वही इसमें तुम ब्लाउज में। और आप देख सकते हैं कि जो स्लीव्स है वो 3/4 स्लीव्स है, तो मैंने स्लीव्स में और कुछ नहीं कराया क्योंकि यहाँ पे इतना चौड़ा बॉर्डर था, तो इसलिए मैंने इसे नॉर्मली इसी तरह से बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों स्लीव्स इस तरह से कुछ दिखाई देती हैं। अब इसकी बैक की तरफ बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो बैक है कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें ऊपर की तरफ भी बोट नेक बना हुआ है और यहाँ पे हुक लगे हैं ओपनिंग के लिए, तो यहाँ पे इस तरह से ओपनिंग के लिए हुक लगा है। और नीचे से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ऊपर वाला क्लोज करती हूँ तो आपको नीचे वाला दिखाई देगा सही से। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि नीचे की तरफ यहाँ पे मैंने रिबन लगाया है जिससे कि थोड़ा सा स्टाइलिश लगे, और यहाँ पे भी मैंने हुक लगाया है जिससे कि बाय मिस्टेक कभी ये ओपन हो जाए आपका जो बांधने के लिए टाइट अप करने के लिए दिया है, तो हुक जो है आपको प्रोटेक्ट करेगा। और इसको लगाने से जो है ये बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है, और हुक लगाने से जो आप बाय मिस्टेक कभी ओपन नहीं हो पाएगा, इस तरह का इसमें पैटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आप हमेशा जो ब्लाउज है उसकी लेंथ जो है हमेशा लंबी रखें। लंबी लेंथ रखने से क्या होता है, जो ब्लाउज है काफी स्टाइलिश लुक देता है आपकी बॉडी को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने अपना ब्लाउज बनाया है वो 14/5 बनाया है। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जो मेरा ब्लाउज का साइज हो वो 14 और 15 के अंदर हो। उससे छोटे ब्लाउज होते हैं वो आपको काफ़ी वो अच्छे नहीं लगते हैं और थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल लगते हैं, क्योंकि आप जब हैंड ऊपर करते हैं तो वो बार बार दिखना लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमेशा कोशिश कर दें कि आप हमेशा लॉन्ग ब्लाउज बनाएं, जैसे 14 या 15 के बीच में बनाएं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो मेरा ब्लाउज है वो 14.5 है, तो देख सकते हैं कितनी अच्छी लेंथ इसकी आई है। तो यही मेरे सजेशन है कि आप इस बात का ध्यान रखें। तो मूव करते हैं नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ। तो नेक्स्ट ब्लाउज है ये जिस वन, तो आप देख सकते हैं कि मल्टी कलर में मल्टी ब्लाउज जो होने से क्या है आपकी वार्डरोब की जो स्पेस है वो कम हो जाती है। कैसे, क्योंकि मल्टी कलर ब्लाउज है अगर आपके पास है तो आप बहुत सारी साड़ियों में से मिक्स मैच कर सकते हैं, जिससे आपके वार्डरोब की स्पेस बचेगी और आपका जो बजट है वो भी मेंटेन रहे। तो आपके पास एक मल्टी कलर का ब्लाउज जरूर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लाउज है इस तरह से प्रिंस कट पैटर्न में और इसमें इस तरह से पफ लगा है। आगे से जो नेक है वो स्वीट हार्ट नेक बना हुआ है, और इसे मैं बैक की तरफ दिखाती हूँ। और बैक में इस तरह से दिया गया है, ऊपर की तरफ डोरी दी गई है इसे टाइट अप करने के लिए, और नीचे की तरफ से हुक है और इस तरह से कुछ दिखता है। और पूरे ऑल ओवर ब्लाउज में स्लीव्स में यहाँ पे पाइपिंग दी गई है, और नेक के पास भी इस तरह से गोल्डन कलर की पाइपिंग दी गई। पाइपिंग देने से भी एक अलग तरह का स्टाइलिश लुक आता है, इसलिए पाइपिंग देना मस्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा ब्लाउज इस तरह से दिख रहा है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट वन
ब्लाउज जो है वो ये है। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लाउज है कुछ इस तरह से दिखता है, फ्रंट एंड बैक में इस तरह से दिखाई देता है। आगे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट लगा हुआ है जो इस ब्लाउज को स्टाइलिश लुक देता है, और यहाँ पे पफ लगा हुआ, पफ एक ब्लाउज है, और आप देख सकते हैं कि इस तरह से दिख रहा है, और यहाँ पे इस तरह से स्वीट हार्ट की डिजाइन दी गई है, और पूरे ब्लाउज में इस तरह का सीक्वेंस वर्क दिया गया है। और जो स्लीव्स है वो आप देख सकते हैं कि स्लीव्स कुछ इस तरह से दिखती है, और इसमें जो ओपनिंग का सिस्टम है उसमें यहाँ पे जिप लगा हुआ है, तो ये देख सकते हैं इस तरह से ओपनिंग है, यहाँ से ओपन करके आप इसे वियर कर सकते हैं। तो जो होल ब्लाउज है आप देख सकते हैं कि इस तरह से दिखता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको। तो नेक्स्ट ब्लाउज है इस ब्लाउज, तो ये ब्लाउज मैंने पूरी तरह से इसमें कोई एक्स्ट्रा डिजाइन नहीं डाली है, क्योंकि ये होल ब्लाउज पूरा वर्क है, तो इसलिए मैंने इसे नॉर्मली सिंपल ब्लाउज बनाया है, लेकिन ये भी काफी स्टाइलिश दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आगे से इस तरह से दिख रहा है, राउंड शेप में है नेक की डिजाइन, और यहाँ पे देख सकते हैं कि गोल्डन कलर की पाइपिंग लगी है। ये इसका फ्रंट है, और आप इसमें स्लीव्स में देख सकते हैं कि ये इस तरह से, और जो लेस है उसको यहाँ इस तरह से लगाई है, और यहाँ पे इसे थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं कि चूनर्स डलवाई, जिससे कि थोड़ा सा और अच्छा दिखे। दोनों स्लीव में इसी तरह से चूनर डलवाई है, और जो स्लीव से 3/4 है, और इसके बैक में आप देख सकते हैं कि इस तरह से दिख रहा है, और यहाँ पे ये डोरी का सिस्टम है, इस तरह से डोरी आपको अगर लूज लगे टाइट लगे तो इस तरह से कर सकते हैं। और इसका जो नेक है आप देख सकते हैं कि ये भी पीछे भी इस तरह से राउंड शेप दिया गया उसमें इस तरह से, और नीचे ओपनिंग के लिए यहाँ पे इस तरह से हुक्स दिए गए हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहूंगी, जब आप हुक्स लगाएं तो अपने टेलर्स को ये बोलते हैं कि हुक जो है बहुत थोड़ा पास पास में लगाएं, क्योंकि उनके बीच में अगर गैप रहता तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि वो अपना मुंह इस तरह से ओपन कर लेते हैं बीच बीच में। तो इसी तरह से आप हमेशा कोशिश करिए कि अपने टेलर से कहिए कि वो जो हुक्स है वो आपस में पास पास लगाएं, जिससे कि वो थोड़ा सा अच्छे दिखे और ऑकवर्ड ना लगे। नेक्स्ट ब्लाउज जो है ये है, तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लाउज है इस तरह से है। तो ये इसका फ्रंट है, तो फ्रंट ये बोट नेक दिया गया है इस तरह से, और जो इसकी स्लीव्स है वो 3/4 स्लीव्स है, और यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर अटैच किया गया है, और बैक साइड में आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे ये डिजाइन दिया गया है, और यहाँ पे ओपनिंग है इसकी, और इसको जो है हार्ट शेप में, पान के शेप में बनाया गया। इसको मैं क्लोज करके आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पान के पत्ते की तरह दिख रहा है कुछ इस तरह से। और इसकी यहाँ पे ओपनिंग के लिए यहाँ पे जिप लगा है, तो इस तरह से आप इसे ओपन करके पहन सकते हैं। जिप वाले भी जो ब्लाउज होते हैं काफी अच्छे लगते हैं, मोस्टली मेरे जो ब्लाउज हैं या तो बैक ओपनिंग वाले हैं या जिप वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा ब्लाउज इस तरह से दिख रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा, तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।